हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियोज विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल या फिर अटल आवासीय विद्यालय से संबंधित होते हैं। आज का भी हमारा जो वीडियो है ये अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए है, जिसमें मैंने गणित के इसके पहले 10 क्वेश्चन बनाए थे और आज भी मैं आगे की 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें सारा कोर्स कवर किया गया है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा और 400 रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिया, उसके बाद 1500 रुपये का बेच दिया, उसे प्रतिशत लाभ क्या हुआ? बच्चों, एक चीज़ जानने योग्य है कि जो भी हमारी क्रयमूल्य होता है, क्रयमूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, तो इसने 800 रुपये खरीदा था, लेकिन अगर उस पर अतिरिक्त खर्च करेगा तो ये उसकी लागत मूल्य ही होगी। इसका मतलब 8 × 4 = 12, यानी 1200 रुपये का इसको ट्रांजिस्टर पड़ा, लेकिन इसने इसे 1500 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब ये इसका विक्रय मूल्य है। अब इसको अगर लाभ की बात की जाए बच्चों, तो आप देख रहे होंगे लाभ यहाँ पर 300 रुपये होगा, यानी कुल मिला के 800 का ट्रांजिस्टर खरीदा था, 400 रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिए, लेकिन उसको टोटल रुपये देने पड़े 1200, और जब उसने बेचा तो उसे बेचा है 1500, तो उसको शुद्ध लाभ हुआ 300 रुपये। अब आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो आपकी लागत मूल्य है वो है 1200 रुपये, लाभ आपका भी आपने देखा था 300 रुपये, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इसके लिए आपको मैंने कई बार कहा फार्मूले आपको नहीं याद करने हैं। क्यों? आप ऐसे करिए कि 1200 रुपये पर लाभ है 300 रुपये, अगर वस्तु 1 रुपये की होती तो लाभ होता 300/1200, इसलिए 100 में यानी कितने प्रतिशत होगा, इसलिए 100 से गुणा कर लेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 काट लेंगे, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24 और 6 बचेगा तो 12 × 5 = 60, कुल मिला के 25%। इसका यह मतलब हुआ कि उसको 25% का शुद्ध लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे आप जरूर समझिए। कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा गया, यानी आपकी जो वस्तुएँ हैं बच्चों, वस्तु और उसका मूल्य वस्तु, तो आपने 12 वस्तुएं 10 रुपये खरीदी, उसके बाद आपने क्या किया है, तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, यानी वस्तु 10 वस्तु आप बेच रहे हैं, यानी जो उसका मूल्य है वो है 12 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपने वस्तुएँ कितनी खरीदी थी, 12, तो अब यहाँ पर भी आपको 12 वस्तुएँ खरीदनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपने 10 वस्तुएँ 12 के भाव से बेचा, तो 2 वस्तुएँ आपके पास बची हैं अभी, और इसका मतलब एक वस्तु आपकी कितनी पड़ी, 12/10, यानी 10 से भाग कर दोगे 1 रुपया 20 पैसे की पड़ी। तो आपने 12 अगर वस्तुएँ चूँकि खरीदी है, तो 12 वस्तुएँ बेच दो, तो 1.21 रुपये 20 पैसे × 12 वस्तुएँ, 12/100 = 144, यानी 14 रुपये 20 पैसे को आपने बेच दिया, यानी जो 12 वस्तुएं हैं जो पहले आपने खरीदी थी 10 रुपये की, बेचा आपने 14 रुपये 40 पैसे का, तो आपका लाभ बच्चों कितना हो गया, जैसा भी मैंने बताया था 14 रुपये 40 पैसे माइनस 10 रुपये, तो यह आ जाएगा 4 रुपये 40 पैसे। इसका मतलब 10 रुपये पर लाभ आपका है 4.4, इसलिए 1 रुपये/10, इसलिए 100 पे कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, और 44 × 10 तो 440, 1 × 10, इसका ये मतलब हुआ कि 44% का इसमें शुद्ध लाभ होगा उस विक्रेता को। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न साधारण ब्याज से है, कितने समय में 1500 रुपये की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 रुपये प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है ब्याज × 100/√100
दर, अगर मैं देखूं ब्याज यहाँ पर 240 रुपए है बच्चों, ठीक है, इंटू 100 बटे यहाँ पर मूलधन बच्चों 1500 रुपए, देखिए मैं बता रहा हूँ, इंटू कितने प्रतिशत, 4%। अब आप इसे हल करेंगे, यहाँ से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये दो जीरो ये चार से काटेंगे, चार छंग 24, 60 आ गया, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, इसका मतलब आपको यहाँ से चार, ये चार क्या आएगा, चार वर्ष समय निकाला जा रहा था, तो ये चार वर्ष का समय लगेगा 240 रुपये जो है ब्याज प्राप्त करने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है अंकों 4, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंक की सम संख्या क्या होगी। अगर मैं सम संख्या की बात करूं, पहले तो मैं यहां से सबसे छोटी संख्या बनाने का प्रयास करता हूं, और अगर कोई भी सम संख्या होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, चलिए मैं इसकी बात में करूंगा। सबसे पहले मैं इसे सबसे छोटी संख्या बनाता हूं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती, इसलिए 0 से बड़ी ढूंढेंगे, वो होगी 1। एक बाद हम लिख लेंगे 0, फिर 2, फिर 4, फिर 7, इसका मतलब 10,247, लेकिन ये विषम संख्या है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सम बनाने के लिए इकाई के अंक पर 0, 0 तो हम ला नहीं सकते यहाँ से, हाँ ये दोनों अंक बहुत नज़दीक हैं, इकाई और दहाई के अंक, यानी जो हमारे इकाई दहाई हैं इनको अगर हम इंटरचेंज कर लेंगे तो संख्या में बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्यों, अगर मैं सैकड़े को चेंज करता हूँ तो संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, अब 7 और 4 कर देंगे, 12,274, ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी और ये भी सम संख्या होगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किसी संख्या का 1/3, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 1/3 कितना है बच्चों, 14 है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/3 = 14, 3 गुणा करेंगे तो x बराबर 14 × 2 = 42 हो गया। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी 42 का, यानी संख्या निकल आई, उसका 40% क्या होगा, तो 42 × 40%, 0 1 कट जाएगा, तो 42 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 2 = 8 और 4 चक्कू 16, और बटे बचा 10, 10 से कर देंगे भाग, जैसे ही हम इसे 10 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 16.8, तो 16.8 यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी गई है 304 से यानी ये भी है, और 346 तक यानी ये भी लेना है, तो 346 माइनस 304 प्लस 1 जोड़ देते हैं जिससे दोनों संख्याएं सम्मिलित हो जाएं। तो अगर आप 346 में से 304 घटाओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो 46 में से 4 चला जाएगा, 42 में 1 जोड़ देंगे तो कुल मिला के 43, ठीक है, सॉरी 43, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका 43, यानी ऑप्शन सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, वहाँ पर पूरा नहीं छपा था, देखिए 43 ही आंसर आ रहा है। अगला हमारा प्रश्न है 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 29 और 63 के गुणनफल यानी इनकी हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1827 में क्या घटाया जाए परिणाम 1600 आए। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये तो हमारा गुणनफल आ गया, अब इसमें से 1600 घटा दे तो पता चल जाएगा कौन सी वो संख्या घटाने पर जो है ये 1600 बन जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों के गुणनफल में से अगर 227 अंक घटा दिए जाएं तो वो संख्या 1600 बन जाएगी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी आसान प्रश्न है, संख्या 76,000
895 में से छोटी वो कौन सी संख्या घटाई जाए कि 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका यही मतलब है कि सबसे पहले हम 16 से भाग कर देते हैं और जो भी संख्या शेष आएगी उसे अगर हम घटा देंगे तो संख्या पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो आप इसे हालांकि कर सकते थे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 16 है और ये 76 है और ये 8 है, ये 9 है, 5 है। तो सबसे पहले हम 16 चक्कू बच्चों 64 ले जाओगे, हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और 28, ठीक है। तो 16 अट्ठी 128 ही होता है, तो 100 बच्चों 28 ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, न जाने का 0, फिर उतारेंगे 5, 95 आ जाएगा और 16 पंजे 80 बच्चों जाएगा और ये 15 बचेगा। यानी ये 15 हमारा शेष बच रहा है जो अतिरिक्त है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर 76,895 में से 15 घटा दिए जाते तो ये संख्या पूरी पूरी विभक्त हो जाती। तो यहाँ पर 15 चूँकि शेष थे, 15 घटाने पर ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो आप इसी संख्या को लिख सकते हैं 5+4/8, नहीं मालूम तो आप सही वाली संख्या को अलग निकाल लिया करिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 प्लस, अब हम 8 से भाग कर देंगे 4 को, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 × 5 = 40, 0.5 तो आ जाएगा 5.5। 0 बढ़ाना चाहें तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित भिन्न को सरल करने पर क्या मान आएगा। तो इसका हमें एलसीएम ले लेना, एलसीएम अगर लोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए 24, क्यों 24 में देखिए 3 से भी डिवाइड है, 6 भी और 12 भी और 24 भी, तो 3 से करेंगे तो 3 × 8 = 24, तो 8 × 1 = 8 आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 4, फिर बचेगा आपके पास यहाँ 12 × 2 = 24, तो यहाँ पर 12 × 2 = 24 कर देंगे, 2 × 1 = 2 और 24 × 1 = 24, जब इसको जोड़ेंगे 8 × 4 = 12 और 12 × 3 = 15, 15/24, 3 से पुनः डिवाइड है, 5, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी 3/8, इसको 5 आएगा, 5/8, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। कुल मिला के ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो कि परीक्षा के बिल्कुल अनुरूप हैं। और इसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एक ऐप है जिसका नाम है RNB STUDY, RNB स्टडी आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको विद्या ज्ञान का जो है, आपको विद्या ज्ञान हो, चाहे आपको सैनिक स्कूल हो या फिर आपका जो है JNB हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, सारी परीक्षाओं की डिटेल मिलेगी और इस पर आप फ्री टेस्ट भी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप हमसे डायरेक्ट शाम यानी इवनिंग क्लास ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉल कर सकते हैं 7651 8 7651 8482 51। जय हिंद, वंदे मातरम।